क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी सेकंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, तो उसी टॉपिक के कंटिन्यूशन में आज हम करेंगे किसकी डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका क्या है? कार्य है। फिर आपका क्यू ऊष्मा है। फिर डेल्टा ई है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तथा डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन की हम गणना करेंगे। तो हमें पता है हम दो प्रक्रमों के लिए इसका अध्ययन करेंगे। पहला हम अध्ययन करेंगे किसके लिए? समतापी प्रक्रम में गणना, यानी कि समतापी किसको कहते हैं? सम का मतलब समान, तापी का मतलब ताप, जिसमें ताप जो होता है वो क्या रहता है? आपका कॉन्स्टेंट रहता है। तो उस प्रक्रम के लिए हम ज्ञात करेंगे। और दूसरा हम ज्ञात करेंगे किसके लिए? रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ज्ञात करेंगे। तो हम पहला स्टार्ट करें हमारा कौन सा? समतापी प्रक्रम में गणना, जिसके अंदर हमको पता है ताप क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। अतः सबसे पहले होगा किसके अंदर? डी डेल्टा ई, यानी या डी ई की गणना। किसकी गणना? डी ई या डेल्टा ई की गणना। तो डेल्टा ई हमको पता है क्या होता है? एंथैल्पी में परिवर्तन है। हमको पता है कि जो आपका सीवी जो होता है, जो हम पहले से ही ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सीवी किसके बराबर होता है? डी ई बटा डी टी के बराबर होता है। अतः यहाँ से हम क्या निकालेंगे? डी ई निकालेंगे। अतः डी ई इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये डी टी इधर चला जाएगा, तो हमारा बन गया सी वी डी टी बन गया। ठीक है, तो यहाँ से सी वी डी टी बन गया। चूंकि हमको पता है कि ताप क्या है? आपका कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये किसके ऊपर हो रहा है? समतापी प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है? समतापी प्रक्रम है। अतः ताप जो है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अतः ताप में परिवर्तन भी क्या होगा? डीटी भी क्या होगा? आपका जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि हम डीटी को क्या लिख सकते हैं? टी टू माइनस टी वन, ये अंतिम ताप, ये प्रारंभिक ताप। और टी टू बराबर क्या है? आपका टी वन है, क्योंकि ताप जो है वो स्थिर है। अतः डीटी क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप ये मान जो है डी टी का मान इस समीकरण में रखेंगे, तो डी ई क्या हो जाएगा? सी वी इंटू जीरो। तो डी ई भी क्या हो जाएगा? हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा डी एच की गणना। डी एच का मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन है। हमको पता है कि एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में जो है इंटरनल एनर्जी में क्या संबंध होता है? एच बराबर क्या होगा? ई प्लस पी वी। या परिवर्तन अगर हमें करना हो, बड़ा परिवर्तन है, तो उसके लिए हम क्या शब्द लगा देते हैं? डेल्टा एच इजिकल टू ये आपका डेल्टा ई प्लस, मैंने ये डेल्टा और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख दिया इसको? पी वी लिख दिया। अब हमको पता है कि कोई भी जो आदर्श गैस होती है उसका अगर ताप स्थिर होता है, तो बॉयल के अनुसार जो होता है पी वी इजिकल टू हमको पता है किसके बराबर होता है? एन आर टी के बराबर होता है, क्योंकि ताप स्थिर है। अतः ये आपका क्या होता है? पी वी का मान भी क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तो इस समीकरण में हम पहले इसके लिए इसका मान निकालेंगे, डेल्टा पी वी का मान निकालते हैं। सो डेल्टा पी वी इजिकल टू हमको पता हो गया एन आर डेल्टा टी, क्योंकि एन कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो परिवर्तन हम किस में लिख सकते हैं? डेल्टा टी के अंदर परिवर्तन हम लिख सकते हैं। चूंकि हमको पता है कि जो डेल्टा टी है वो किसके बराबर है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ये प्रक्रम समतापी प्रक्रम है। अतः जब डेल्टा टी जो इजिकल टू जीरो है, इसका मान इसमें रखेंगे हम एन आर इंटू इंटू जीरो, तो ये जो पूरा मान था वो भी किसके बराबर हो गया? हमारा जीरो के बराबर हो गया। तो ये जो डेल्टा पीवी का जो मान है वो इस समीकरण में रख देंगे, जैसे मैंने दोबारा से इसको लिखा है, डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, यही समीकरण मैंने दोबारा से लिखी है। तो डेल्टा एच, चूंकि हमको पता है डेल्टा ई हम यहां से निकाल चुके हैं, चूंकि हमको पता है ये तो हमारा जीरो के बराबर था ही, और डेल्टा ई इजिकल टू भी जीरो है। डेल्टा ई या आप इसको क्या लिख सकते हो? डी ई, एक ही बात है। डेल्टा कब लिखते हैं? जब परिवर्तन बड़ा होता है। डी कब लिखते हैं? जब परिवर्तन छोटा होता है, स्मॉल परिवर्तन होता है, तो उसको डी ई लिखते हैं। चूंकि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से इसकी किसकी गणना कर सकते हैं? डेल्टा एच की गणना कर सकते हैं। अब तीसरा है हमारा किसमें? क्यू ओ एम एंड डब्ल्यू की गणना। क्यू क्या है? ऊष्मा है, और डब्ल्यू क्या है? किया गया कार्य है। चूंकि हमको पता है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ से हमको पता है कि डेल्टा ई इजिकल टू क्या है? क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर है। चूंकि डेल्टा ई क्या है हमारा? यहाँ पर ये जीरो है, जो हम यहाँ पे कर चुके हैं ये वाला, तो ये मैंने क्या रखा? इसका मान जीरो रखा। जीरो रखने के बाद ये हमारा क्या है? क्यू माइनस डब्ल्यू रख दिया। फिर इस डब्ल्यू को इस साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्यू इजिकल टू डब्ल्यू के बराबर है। अतः हम ये कह सकते हैं अगर किसी भी सिस्टम को समतापी अगर प्रक्रम है,
तो उसको दी गई उष्मा किसके बराबर है, कार्य के बराबर है। तो अतः तंत्र को दी गई उष्मा वो क्या होती है, कार्य में बदल जाती है। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि अगर किसी भी तंत्र को जो है उष्मा देते हैं तो वह पूर्णतया कार्य में नहीं बदलती। ये जो होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उष्मा का जो होता है लॉस हो जाता है, ये ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, तो कुछ उष्मा का जो क्या हो जाता है बेटे, उसमें लॉस हो जाता है। तो 100% जो होती है वो कार्य में नहीं बदलती, ये इसकी लिमिटेशन भी है, क्योंकि ये प्रथम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस भी है जो हमारी आगे आएगी। अब उसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंट है वही है, क्या है, W की गणना है। किसकी गणना है, W यानी कि कार्य की गणना है। कार्य की गणना में यही है, किसके लिए पहले हमारा चल रहा है, समतापी प्रक्रम के लिए चल रहा है। हमको पता है DW किसके बराबर होता है, PdV के बराबर होता है। ठीक है, DW जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर है, किसके बराबर होता है आपका, दाब इनटू आयतन में परिवर्तन के बराबर होता है। हमको पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या किसके बराबर होती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी के बराबर होती है। यहाँ से हम पी निकाल लेंगे, पी क्या हो जाएगा, वी आपका इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, आर टी बटा वी। तो अब इसको एक नंबर समीकरण दे देंगे, तो समीकरण एक में क्या करेंगे, पी का मान यहाँ पर रख देंगे। जब इसका मान रखेंगे तो DW इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, आर टी डीवी अपॉन वी। ये मैंने यहाँ पे वी रखा नीचे, तो डीवी अपॉन वी, और इस समीकरण का हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, ये समाकलन का निशान लगा दिया और समाकलन यहाँ का लगा दिया, तो समाकलन DW इज इक्वल टू आर टी, और उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, वी वन अपॉन आपका वी टू, और यहाँ क्या बन जाएगा, डीवी अपॉन वी। क्योंकि जो भी कॉन्स्टेंट होते हैं उनका समाकलन होता नहीं है, तो उनको बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका वी वन है, वी वन क्या है हमारा, इसमें प्रारंभिक आयतन है, इनिशियल आयतन है, और वी टू क्या है हमारा, अंतिम आयतन है, या जो फाइनल जो वॉल्यूम होता है वो आपका वी टू आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। जो आपका डी डब्ल्यू का जो समाकलन होता है वो डब्ल्यू आता है, आर टी का आर टी लिखा, डी वी अपॉन वी का जो आपका समाकलन होता है वो क्या होता है, एल एन वी होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर समाकलन किसका डी वी अपॉन वी है, उसका क्या होता है, एल एन वी होता है। ठीक है, डी वी अपॉन वी का जो समाकलन है वो क्या होगा, एल एन वी के बराबर होगा। फिर ये दोनों लिमिटेशन लगा देंगे, वी वन से वी टू लगा देंगे, फिर वही लिख देंगे, डब्ल्यू इजिकल टू आर टी एल एन, अब अपर लिमिट बटा लोअर लिमिट। अपर लिमिट जो है वो वी टू है तो वी टू ऊपर लिखा, लोअर लिमिट हमारी वी वन है तो वो मैंने नीचे लिख दिया। अब चूंकि जितनी भी गणनाएं होती हैं हमारी, जो भी, क्योंकि इस पे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें जो भी गणनाएं होती है वो किसके ऊपर होती है, लॉग बेस 10 पर होती है। तो एल एन जो है आपका, इसको लॉग बेस 10 में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी समीकरण क्या बनी, डब्ल्यू इजिकल टू 2.303 आर टी लॉग बेस 10 वी टू अपॉन वी वन। तो ये हमारी क्या होगी, ये गया कार्य हो गया। ये तो कब है, जब आपने क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम लिया। इसी तरह से हमको पता है अगर दाब ले ले हम, क्योंकि बॉयल के नियम से हमको पता है क्या है, वी वन पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू के बराबर। क्योंकि बॉयल का नियम क्या कहता है, पी वी जो होता है, पी जो है, पी वी इजिकल टू किसके बराबर होता है, कॉन्स्टेंट के बराबर, या सिंपल आप कह सकते हो पी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V के बराबर है। तो वहीं से ये समीकरण आई है, दो अलग अलग कंडीशन ली है, जिसमें पी वन वी वन बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी टू वी टू हो जाएगा। यहां से पी वन बटा पी टू वो किसके बराबर हो जाएगा, वी टू अपॉन वी वन। तो इसको हम क्या दे देंगे, तीन नंबर समीकरण दे देंगे। अब वी टू अपॉन वी वन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पी वन बटा पी टू। तो समीकरण दो और तीन से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2.303 आर टी लोग बेस 10 पी वन अपॉन पी टू। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डब्ल्यू या कार्य की गणना कर सकते हैं। तो जनरली न्यूमेरिकल्स दिया होगा आपको, पी वन पी टू का मान दिया होगा, टी दिया होगा, आर हमको पता है गैस कॉन्स्टेंट है, तो वो कार्य आपसे पूछ सकता है। तो ये तो हमारी गणना हो गई किसके लिए, समतापी प्रक्रम के लिए। अब जो हमारा जो गणना है वो किसके लिए है, रुदोसम प्रक्रम के लिए गणना है। अब रुदोसम प्रक्रम सबको पता होना चाहिए किसको कहते हैं,
उद्वसन प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसके अंदर जो तंत्र है सराउंडिंग से न तो उष्मा लेता है न ही उष्मा देता है, अर्थात सिस्टम और सराउंडिंग यानी कि आपका इसमें तंत्र और परिवेश के बीच उष्मा का कोई विनिमय नहीं होता। तो उस तरह का जो सिस्टम है या प्रक्रम है उसको आप क्या कहते हो, रुदोषम प्रक्रम कहते हैं। चूंकि उसमें उष्मा का आपका जो है कोई भी विनिमय नहीं होता तो इसका मतलब क्यू जो है वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, क्योंकि जब कोई उष्मा न तो ले रहा है न ही वह दे रहा है। तो सबसे पहले हमारा होगा क्यू की गणना, क्योंकि गणना के लिए वो है चूंकि इस प्रक्रम में क्या है बेटा, क्यू का मान क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। जब आपका कांस्टेंट रहेगा अतः उसमें जो परिवर्तन होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि न तो उष्मा ले रहा है न उष्मा वो दे रहा है। तो उष्मा क्या रह रही है, उष्मा दोनों तरफ जो सेम रहती है इसलिए उष्मा में जो परिवर्तन है वो क्या हो जाता है आपका, जीरो के बराबर हो जाता है। उसके बाद है हमारा इसके अंदर आपका जो नेक्स्ट जो आपकी गणना है वो किसकी गणना है, इसमें डेल्टा ई की गणना है, क्योंकि मैंने इसमें लिखा नहीं तो सबसे पहले जो है अच्छा उसी से है, कंटिन्यूशन में ही है। अब चूंकि हमको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बराबर है होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, या डी ई डेल्टा ई लिख सकते हो, या डी ई इज इक्वल टू ये हमारा जीरो माइनस डी डब्ल्यू, तो डी ई किसके बराबर हो गया, डी डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। तो ये हमारी समीकरण आ गई। उसके बाद है डेल्टा ई की गणना, डेल्टा ई हमको पता वही सी वी इज इक्वल टू किसके बराबर है, डी ई अपॉन डी टी के बराबर है, या यहां से डी ई निकाल लीजिए, डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी डी टी के बराबर हो जाएगा। तो डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी, डी टी यहाँ पे क्या है, ताप में परिवर्तन, क्या है यहाँ पर, ताप में परिवर्तन। मान लेते हैं माना जो है आपका टी वन क्या है, प्रारंभिक ताप है, और जो आपका T2 है वो क्या है, अंतिम ताप है, ठीक है, उसमें हम मान लेते हैं। तो ताप में परिवर्तन DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV का CV हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। इसी तरह से अगर CP की फॉर्म में लिखना हो हमें तो हम क्या है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CP की फॉर्म में भी हमारा क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू CP T2 माइनस, सॉरी ये तो डेल्टा H के अंदर आएगा, सॉरी ये नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। तो यहां पर सी वी टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, फिर आपका इसके अंदर डेल्टा एच, डेल्टा एच के अंदर हमको पता है सीपी आता है, क्योंकि जहां भी ई आएगा वहां पे सी भी आता है, जहां पे एच आएगा वहां पर सीपी आता है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जहां पर भी कांस्टेंट प्रेशर आएगा वहां एंथैल्पी आएगी, जहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा वहां पे इंटरनल एनर्जी आती है, याद रखिए इसको। तो सी पी इजिकल टू डी एच अपॉन डी टी, या डी एच ये निकाल लेंगे, डी एच इजिकल टू क्या हुआ, सी पी डी टी, या फिर वही मान लेते हैं कि टी वन आपका प्रारंभिक है और टी टू क्या है आपका, अंतिम ताप है। तो डेल्टा एच या आपका डी एच एक ही बात है, इजिकल टू सी पी टी टू माइनस टी वन के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा हो गया डेल्टा एच की गणना। अब उसके बाद किसकी गणना है, डब्ल्यू की गणना है, कार्य की गणना है, क्योंकि वही सेम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, अगर अगर सिस्टम कार्य कर रहा है तो चूंकि रुदोषम प्रक्रम है, रुदोषम प्रक्रम में आपका क्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, क्योंकि न तो वह उष्मा लेता है न ही उष्मा देता है। तो यहां से डेल्टा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, या माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई का मान हम निकाल चुके हैं, कौन सा, ये वाला, कौन सा रखा हमने, कौन सा रखा, सी वी टी टू माइनस टी वन, और ये माइनस को इधर ले जाइए या दिखा सकते हैं इसको, तो डब्ल्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस सी वी टी टू माइनस टी वन के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हमारी होगी सारी कैलकुलेशन होगी, किसके बारे में, डब्ल्यू की गणना हो गई, फिर उसके बाद हमारी डेल्टा ई की गणना हो गई, डेल्टा एच की गणना हो गई, और क्यू की गणना होगी किसके लिए, अगर प्रक्रम आपका समतापी हो, और अगर आपका प्रक्रम कौन सा हो, रुदोषम प्रक्रम हो। तो जनरली जो है ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसको हमें अच्छे से करना है। अब उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है जो बताता है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अब जनरली जो होता है इसके अंदर एक नंबर का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपके कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है। इसी इसके साथ ही जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा,
नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक कौन सा शुरू हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो पहला तो ये होता है कि हमको पता है कि फर्स्ट लॉ किसके ऊपर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में यह परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन उसका संरक्षण किस प्रकार होता है, वो प्रक्रम क्या है, वो प्रोसेस क्या है, इसके बारे में ये कुछ नहीं बताता हमें। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक इसका लिमिटेशन। दूसरा होता है कोई भी शब्द प्रक्रम कहते हैं कि एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, लेकिन वह शब्द प्रक्रम की दिशा क्या होगी, ठीक है, वह किस दिशा में होगा या वह उसकी दिशा क्या होगी, यह नियम नहीं बताता। तीसरा ये आपका क्या कहता है कि कोई भी प्रक्रम जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो हमेशा क्या होती है, ऊष्मा की हानि होती है। क्या होती है, हमेशा ऊष्मा की हानि। जब भी कोई ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसमें कुछ न कुछ ऊष्मा की हानि होती है। अतः एक चीज ध्यान रखनी है कि हम ऊष्मा को जो है आपका कार्य में तो बदल सकते हैं, लेकिन कार्य को पूर्णतया ऊष्मा या ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, तो कार्य को, अगर कोई कार्य है अगर उसको ऊष्मा में बदलना है तो आप 100% उसको बदल नहीं सकते। तो ये तो हमारी होगी इसकी लिमिटेशंस। तो इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए या इनकी कमियों को दूर करने के लिए हमें जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया था, जिसके अंदर मेनली जो है कुछ डेफिनेशंस है और एंट्रोपी है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सामान्यतः किसके बारे में बताता है, एंट्रोपी के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये सिंपल कहता है भी कोई भी शब्द प्रक्रम होता है उसमें जो है एंट्रोपी में धनात्मक परिवर्तन होता है या ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है।